हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ मीशो का सेकंड पार्ट। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मीशो के कुछ प्रोडक्ट अभी आने बाकी हैं जो कि ऑन द वे है, तो फाइनली वो आ चुके हैं। तो मैं उनका रिव्यू दूंगी कि वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ, सबसे पहला प्रोडक्ट मुझे ये वाला रिसीव हुआ है। इसके अंदर आपको मिलेंगे दो टी शर्ट, एक मेंस एक वुमेन। तो ये जो है ऑफर में था, इसमें आपको कपल्स टी शर्ट मिल रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको जो है बाई कर लिया। तो मैं आपको दिखा दूँ वो किस तरह से है। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ दो पैकेट में मुझे रिसीव हुआ है, 2 in 1। और यहाँ पे मैं प्राइस लगा दूंगी, प्राइस आप देख लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राइस आपको दिख रहा होगा, मतलब इतने प्राइस में आपको दो टी शर्ट मिलते हैं, एक आपके खुद के लिए, एक आपके हबी के लिए। या तो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। तो सबसे पहला ये टी शर्ट ये है, जो कि है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये मिस्टर के लिए है, इसमें आपको आप देख सकते हैं मिस्टर लिखा हुआ है एंड ये पिक भी बना हुआ है। और ये साइज़ है XL। बस इसमें यही है कि अगर आपको जो है, अगर आप अपने हबी के लिए मंगाते हैं, आपको जो साइज़ आपके हबी का आएगा वही साइज़ आपका आएगा, बस इसमें यही प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए भी XL आ गया, जबकि मुझे लार्ज लगता तो, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, आप इसको जैसे चाहे वैसे वॉश कर सकते हैं। सो, मुझे बहुत ही पसंद आया। सेकंड ये वाला जो कि मिसेस का है, यानी मेरा है सर, आप देख सकते हैं ये भी सेम ही है। और इसकी भी साइज XL है। बाकी प्राइस वाइज इसकी क्वालिटी एक नंबर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सेकंड पैकेट मुझे रिसीव हुआ है। मैंने जो है एक टी शर्ट्स मंगवाया था मेरे लिए, क्योंकि आजकल काफ़ी आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस काफ़ी यूट्यूबर को पहनते हुए भी देखा होगा। तो ये ब्लैक कलर में है और इसका ब्रांड का नेम है शाका, स्कॉल ब्रांड शाका, आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था और ये इस तरह से आया। मैंने इसको ओपन कर लिया था, मैं आपको बता दूँ ये देखने में कैसा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी स्लीव्स, इसके साथ आपको जो है यहाँ पीछे चैन मिल जाता है। ये इस तरह से, और ये पूरा ये यहाँ तक आपको दिया गया है चैन, ताकि आप जो इजली इसको आप नेक के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स कुछ इस तरह से है गाइस, तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है गाइस। और इसका मटेरियल की बात करें तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको नेट मिल जाता है, जो कि इसको काफ़ी एलिगेंट एंड काफ़ी खूबसूरत बनाता है। तो इसका जो भी प्राइस होगा पिक्चर सहित, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, इसका कोई जो है लिंक नहीं होता है, इसमें आपको कोड दिया जाता है, तो आप कोड के थ्रू जा सकते हैं। सेकेंड ये था। थर्ड मैंने मंगाया था येलो मस्टर्ड कलर में टी शर्ट, जो कि सेम है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और दोनों के कपड़े में डिफरेंस है, ये थोड़ा सा लाइक आपको जैसा इनर जैसा आता है ना क्लॉथ, वैसा है। और ये जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, अदरवाइज दोनों सेम ही दिखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी साइज है लार्ज। और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं, ये भी कुछ इस तरह से है, बट इसकी स्लीव्स पूरी नेट की है, इस तरह से पूरी नेट की है।
पफ वाली स्लिप्स बोलते हैं ना, वैसा है। और इसमें आपको यहाँ साइड में चैन मिलता है, यहाँ गले के पास आपको चैन मिलता है, उसमें आपको पीछे मिल रहा था, इसमें आपको साइड में मिलता है। और मटेरियल की बात करूँ तो ये कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेचबल टाइप में है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, पर दोनों की प्राइसेस डिफरेंस है, दोनों की प्राइसेस डिफरेंट है गाइस। और ये जैसा कि मैंने बताया स्लीव्स ऐसी है, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लैक और मस्टर्ड कलर में से कौन सा टी शर्ट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थर्ड ये था। इसके बाद लास्ट मैंने मंगवाया था लेंस, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया, और मैं इसको आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से पैकेजिंग की गई थी इसकी, कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है। और स्ट्रेलिंग ग्रे इसका जो है सेड है, स्ट्रेलिंग ग्रे कुछ इस तरह से दिखता है। बट इसके साथ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज ये जिस प्राइस में ये मुझे सिर्फ जो है लेंस मिला, उसमें आई गेस मुझे जो है इसका कंटेनर भी मिलना चाहिए था, बट इन्होंने कंटेनर प्रोवाइड नहीं किया। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ। इसको जब भी मैं लगाऊंगी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो या आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में मेरे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए मेकअप लुक के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरी आईडी है आशु आहान। तो चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, बाय।